टॉपिक है पुलवामा अटैक पर। तो हम जानते हैं कि पुलवामा अटैक जो हुआ था वो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, और यह घटना जब हुआ था तो उसके 2 महीने बाद इलेक्शंस हुए थे। और इस घटना के होने के बाद प्रधानमंत्री ने पुलवामा में शहीद 45 जवानों के नाम पर वोट मांगा था, और हमारे देश के अंधभक्त गधे किस्म के जो लोग हैं उन्होंने शहीदों की शहादत के नाम पर अंधभक्ति में बहकर बीजेपी को वोट दे दिया, और जिसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पूर्व इसी प्रकार CDS जो बिपिन रावत है और 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उसकी मौत हुई, और उसी घटना के दो महीने तत्पश्चात यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और कुछ 4-5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो राजनीतिक दल और खासकर जो आज के डेट में सत्ता में है उसका इतिहास रहा है कि जब तक दंगा फसाद ना कराया जाए, शहीदों की शहादत ना ली जाए, सैनिकों की शहादत ना ली जाए, लोगों को ना मरवाया जाए, लोगों में जात पात के नाम पर ना सांप्रदायिकता ना भड़काया जाए, तब तक उनको वोट ही नहीं मिलेंगे। तो आज चलिए हम इसी टॉपिक पर कि पुलवामा कांड कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके आरोपी जो थे आज सजा क्यों नहीं पा पाए, उनको सजा क्यों नहीं मिली, और इनके पीछे सरकार की क्या मंशा है, क्या वह जो शहीद परिवार के सैनिकों के शहादत ली गई, जो शहीद हुए, क्या उनको सरकार न्याय दिला पाएगी, या सरकार की इसमें कुछ संलिप्तता है। हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 3 साल होने वाले हैं इस घटना को, तो सरकार ने इसके लिए क्या किया, क्या कदम उठाया, क्या दोषियों को पकड़कर सजा दी गई, या दोषियों को बचाने के लिए सरकार काम कर रही है। तो 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पर CRPF का जो जवान लोग थे उसकी गाड़ियों में सुरक्षा बलों को ले जाया जा रहा था, जबकि इसके पूर्व ही भारत की जो खुफिया एजेंसी है रो हो, CID हो, चाहे CBI हो, चाहे SIT हो, जितने भी गुप्तचर संगठन हैं उन्होंने सरकार को हिदायत दी थी कि सैनिकों को राजमार्ग के रास्ते या स्थल मार्ग के रास्ते ना ले जाया जाए, क्योंकि उन पर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, गुप्तचर संस्थाओं द्वारा, कि उस पर हमले किए जा सकते हैं, और यही हुआ। जबकि सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को हर बार की तरह उस बार भी कई बार मना किया कि सड़क मार्ग से फौजियों को ना ले जाया जाए, उसकी जगह हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाए या अन्य जो संसाधन है उसका प्रयोग किया जाए, लेकिन सड़क मार्ग से फौजियों को ना ले जाया जाए। और जब सरकार ने गुप्तचर संस्थाओं की बात को नहीं माना, सुरक्षा एजेंसियों की बातों को ध्यान नहीं दिया, तो ये घटना घटित हुई, और इस घटना के पश्चात तो सरकार ने उसके नाम पे वोट मांगा और खुल कर मांगा, बेशर्मों की तरह मांगा। हम इसमें नहीं कह सकते हैं कि सरकार को इससे कोई फर्क पड़ा, ऐसा लग रहा था कि सरकार चाह रही थी कि ऐसी घटनाएं हो और वह इसका फ़ायदा उठाएं। और इस घटना को होने के बाद जब सरकार ने उनके नाम पर वोट मांगे सुरक्षा कर्मियों की शहादत के नाम पे, तो वहाँ पर शक होने लगी, शक की उंगलियाँ उठने लगी। शक की उंगलियाँ जब उठने लगी तो लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद के जो कमांडर जो आए थे भारत में, उनके साथ वहाँ के जो DGP है उनकी फ़ोटो लीक हो गई, और वो फ़ोटो लीक होने के बाद जब
न्यूज एजेंसियों में आई तो खलबली मच गई और सरकार ने इस खलबली को दबाने के लिए अपनी मशीन अपनी तंत्र को लगा दिया। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मोदी सरकार को अपनी पूरी जो एजेंसियों को सरकारी एजेंसियों को उस घटना को दबाने के लिए लगाना था। ये अगर देखा जाए तो ये कतई से ठीक नहीं लगता है, लेकिन सरकार की जो मनोवृत्ति है खासकर ऐसी घटनाओं में उस पर डाउट होता है, शक होते हैं, और इन शक की वजहों से अगर हम कहें ये घटना सरकार प्रायोजित ही थी। अभी हाल फिलहाल में जो घटना घटी है जिसमें CDS बिपिन रावत और 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, ये घटना भी उसी तरह की लगती है। सरकार को पता था और CDS रावत और न्यूक्लियर साइंटिस्ट के हाथ में भाजपा और उनके सहयोगी दलों के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले थे जो देशद्रोह की कैटेगरी में आते हैं, और किसी की फाइल लेकर के जो एजेंसियों CDS रावत और न्यूक्लियर साइंटिस्ट के लोग दक्षिण भारत के केरल जा रहे थे, वहाँ के जो फौजी संस्थान है वहाँ का दौरा करने जा रहे थे और सुरक्षा के विषय पर बातचीत करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जिस मार्ग से उनको जाना था उस मार्ग से ना जा करके वहाँ मार्ग को डाइवर्ट किया गया, रास्ते को डाइवर्ट किया गया और हेलीकॉप्टर अचानक गिर गई और गिरने के बाद ब्लास्ट हो गई। इससे शक होता है कि कहीं उसमें कोई विस्फोटक तो नहीं लगाया गया था, क्योंकि जब नेतागण वही हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो उनकी मौत नहीं होती है, लेकिन जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट या थल सेना के अध्यक्ष हों वो बैठते हैं तो अचानक इतने हाई फाई जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो ज़मीन पर गिरने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शक का विषय है और ये शक के बीज उठते भी हैं और उठना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस घटना के तत्पश्चात जब पुलवामा कांड हुआ था तो पुलवामा कांड के बाद जिस तरह की खबरें आई और उसकी जब जांच की गई एजेंसियों द्वारा, तो एजेंसियों की जांच करने के बाद वहाँ DGP जो जोगिंदर सिंह थे उनकी फ़ोटो जैश मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के साथ पाई गई, उनको जम्मू कश्मीर में लाने और उन तक RDX पहुँचाने में भी इनकी हाथ पाए गए और इनके पीछे सत्ताधारी दल के गिरोह काम करते, जिस जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होती है, जहाँ पर पुलिस को ये पता होता है कि आम राहगीर के झोले में क्या है, उसके टिफ़िन में क्या है, उसको ये कैसे नहीं पता चल पाया कि 300 किलोग्राम RDX उसी रास्ते से आ रहा है, उसको फौजियों के साथ ले जाकर उस गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत ही एक तरह से भारत की जो सुरक्षा एजेंसियों हैं उसके लिए खतरा है, और जो राजनेता इसके लिए इन घटनाओं को कराते हैं या और इनका सहारा लेकर चुनावी राजनीति को चमकाते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे राजनेताओं को, कि आखिर ये फौजियों की शहादत पर मगरमच्छ की तरह आंसू बहाते हैं और देश को बरगलाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं और झूठ बोलते हैं। तो जब जोगिंदर सिंह को पकड़ा गया, जोगिंदर सिंह को पकड़ने के बाद उनकी पूछताछ की गई थी, उनकी जो लिंक है BJP के साथ खुलेआम पाया गया, उनके जो संगठन हैं बीजेपी के साथ, बीजेपी के लिए बैटिंग करने वाले जो तमाम तर संस्थान हैं, हिंदू महासभा, RSS या बजरंग दल, उनके साथ इसके लिंक पाए गए। और जब इसकी जांच आगे बढ़ाई गई तो उनको सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल लिया। लेकिन बड़ी असमंजस की बात है, बड़ी अजीब बात लगती है कि उसको छुड़ाने के लिए सरकार 12 बजे रात में अदालतों को खुलवा लेती है, पुलिस थानों को खुलवा लेती है और उसको अदालतों को बैठा करके उनको छुड़वा लेती है। आखिर सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि उसको इतनी रात में
अदालतों को चालू करवा करके उसको छुड़ाना पड़ा। ऐसी गतिविधियों को देखते हुए, सरकार की ऐसी क्रियाविधि को देखते हुए शक होना लाजमी है कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अभी समय है, चेत जाइए, अभी समय है, संभल जाइए, नहीं तो इस देश को बचाने के लिए अब कोई गांधी नहीं आएंगे, अब कोई नेहरू नहीं आएंगे, कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं आएगा। अगर आप और हम नहीं खड़े होते हैं तो इस देश का जो संविधान है वो बर्बाद कर दिया जाएगा, और बर्बाद हो जब संविधान इस देश का बर्बाद होगा तो आप भी बर्बाद हो जाओगे, और इस देश की बर्बादी 100% 100% सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए आज से ही संकल्प लें कि ऐसे पृथकतावादी नीतियों को अपनाने वाले गोडसे के फॉलोवर लोगों को मानने वाले पार्टियों को सत्ता से दूर कीजिए, और देश में जो जाति और धर्म की नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, अगर हमने आज इस पर ब्रेक नहीं लगाया, आज इस पर रोक नहीं लगाया, तो वह दिन दूर नहीं जब इस जहरीली हवा की चपेट में हमारे बच्चे भी आ जाएंगे और इस देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और इस देश के भविष्य के बर्बाद होने के साथ साथ हमारा देश भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आज प्रण लें, संकल्प लें कि हमें आंख खोलकर और ऐसी पार्टियों को, ऐसे लोगों को वोट करना है जो देश में धर्म के नाम पर वोट ना मांगे, जाति के नाम पर वोट ना मांगे, देश में विकास के एजेंडे पर काम करे, देश में पृथकतावादी, देश को तोड़ने वाले गतिविधियां में भाग ना ले, और देश के विकास के लिए हर तरह से प्रेरित हो। ऐसे सांसदों, ऐसे MLA को वोट दीजिए, ऐसे लोगों को चुनाव कीजिए, ना कि चोर डकैतों की, जिन पर तरह तरह की धाराएं लगी हो, जिन पर दंगे भड़काने के आरोप हो, जिन पर मर्डर के आरोप हो, जिन पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप हो, तरह तरह के जो भारत की जो IPC की धारा के जो अत्यंत ही खतरनाक और संवेदनशील धाराएं जो मानी जाती है वो लगी हुई हो, और फिर भी वो राजनेता चुन करके आते हों, ये बड़े शर्म की बात है। और जब ऐसे लोग जब चुन के आएंगे तो वो देश के लिए नहीं काम करेंगे। इसलिए कसम खाइए कि जो भी हो, हम ऐसे लोगों को कभी संसद में या राज्यसभा में पहुंचने ना दें, अन्यथा देश की बर्बादी 100% सुनिश्चित है। धन्यवाद।